अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके सामने दोबारा हाजिर हुई हूँ अपने कुकिंग शो के साथ, इजी कुकिंग विद अर्शी। आप सबको मेरा खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त हर घर में तैयार होता है और हर घर का जायका अलग होता है, लेकिन मैं कुछ ज़रा डिफरेंट बनाती हूँ, क्योंकि हम ज़रा दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वालों का स्टाइल दूसरा होता है और खानों के हिसाब से। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी, चटपटी और कम मसाला जात के साथ मज़ेदार। तो हम स्टार्ट लेते हैं। मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है, एक पाव मैंने आलू लिए हैं जिसको मैंने चार हिस्सों में कटिंग कर लिया है, ये मैंने तीन टमाटर लिए हैं जिसकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है, और थोड़ा ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं जो गार्निशिंग में हम यूज करेंगे। एक प्याला मैंने दही लिया है एक पाव के हिसाब से, और एक प्याला मैंने कुटी हुई प्याज ली है। मैंने आपको बताया था कि प्याज को सुखा के और कूट के रख लें व्यूअर्स, के हम आसानी से रोज़ाना अपनी रेसिपीज तैयार करते रहेंगे, क्योंकि ना ही इतना टाइम होता है सबके पास, और आजकल वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सबके घरों के मामला जो हैं वो उलट पुलट हो चुके हैं। तो इस तरह हमारा ये है कि लहसुन का मैंने एक चम्मच पेस्ट लिया है, कुटी हुई मिर्चें लिए हैं एक चम्मच, दो चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, एक चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है, एक चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। गरम मसाला मैंने आपको बताया था अपने कीमे की रेसिपी में कि एक दालचीनी का टुकड़ा, चार एक बड़ी इलायची, दो सब्जी इलायची, लौंग चार, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक चम्मच जीरा, इसको आप ग्राइंड कर लें। और फिर ये हमारा गरम मसाला तैयार है जो मैंने हाफ टी स्पून लिया है। मेन इंग्रेडिएंट्स इसका ये है कि इसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची और साबुत काली मिर्चें ली हैं, ठीक है। आलू गोश्त में छोटी इलायची ज़रूरी है क्योंकि उसकी मज़ा टेस्ट जो है वो छोटी इलायची से आएगा, ठीक है। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक पतीली में तेल हल्का गर्म किया है, लहसुन डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा दूध को फ्राई करना है। गोश्त को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर प्यूरी डाल देंगे ताकि वो थोड़ा भुन जाए। आंच को तेज रखना है क्योंकि हमें इसको भूनना है। थोड़ा ये अपना कलर चेंज करेगा जब तक हम अपने दूसरे मसाले तैयार करते हैं। अब ये जो मैंने एक पाव दही लिया है इसमें मैं ये सारे मसाले जार मिक्स कर दूँ, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला, 8-10 साबुत काली मिर्च और 4-5 हरी छोटी इलायची। ये प्याज जो मैंने कूट ली है, इन सब चीज़ों को हम दही में पेस्ट कर लें। मिक्स करने के बाद जब तक वो हमारा टमाटर का पेस्ट गोश्त के साथ भुन जाएगा, इतनी देर में हमने अपना ये मसाला, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी झटपट रेसिपी तैयार करूं। और आप देखें व्यूअर्स, रोज़ का एक मसला होता है कि सुबह क्या पकाएं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको इस टेंशन से निजात मिलेगी। रोज़ाना मैं अपनी घरेलू रेसिपीज जो हर आम बंदा बना सकता है, नॉर्मल फैमिली। अब देखें व्यूअर्स, ये हमारा टमाटर का पेस्ट अच्छी तरीके से।
तरीके से भून गया है, घी छोड़ दिया है इसमें। अब हमने जो ये दही का सारा मसाला बनाया है ये अब हम इसमें ऐड करते हैं। देखें व्यूअर्स, मैंने अपने दही का मसाला सारा इसमें ऐड कर दिया है। अब हम गोश गलने तक, अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ये अपने दही के मसाले में ही भुनेगा, फिर हम इसमें आलू ऐड करके और पानी का शोरबा बनाएंगे, ठीक है। ये नाजरीन देख रहे हैं आप, ये तैयार हो रहा है अपने ही पानी में गोश गलने के लिए। अब मैंने इसमें हसबे जायका नमक ऐड किया है। ये देखें नाजरीन, अभी हमारे सालन की ये शक्ल हो गई है, अच्छी तरह भुन गया है और इसका मसाला देख सकते हैं आप। अब हम इसमें आलू डालेंगे। और अब हम इसमें शोरबा डालेंगे। हमने थोड़ा इसको भूनने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब उसके बाद हमारा जितना गोश्त जो आधा डन हुआ है, हाफ डन है ये, तो वो भी गल जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। और आपको अब जितना शोरबा रखना है, क्योंकि शोरबे से ये बहुत मज़े का बनता है इसका शोरबा। ये देखें ये क्वांटिटी आएगी इसकी, और इंशाल्लाह ये सब चीज़ें इसी में बनेंगी। अब हम आलू और गोश्त को डन होने के लिए दम पे रखते हैं। अब ये देखें व्यूअर्स, हमारा सालन तैयार हो गया है। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना पतला शोरबा रखना चाहती हैं। मैंने ये रखा है क्योंकि मुझे आलू गोश्त जो है वो ज़रा थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है। और अब इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी ये डाल दिया है। 5 मिनट के बाद मैं इसको, व्यूअर्स अब हमारा मज़ेदार सा आलू गोश विद हरा धनिया के साथ, हरा धनिया आप जितना डालेंगे, क्योंकि मुझे ये अपना ज़ाती तौर पे भी बहुत पसंद है, और आप भी इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आपको भी मज़ेदार लगेगा। अब इसको गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, वैसे ये ज़्यादातर नान के साथ ज़्यादा मज़े का लगेगा, तो आप इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।